जी सारे ने प्यार भरी सत श्रीकाल जी। अज असी बना लगे हाँ शरबत ड्रिंक बना लगे हाँ अगूंद कदीरे का। आ देखो अगूंद कदीरा ये रात मैं भिओंदा सी ते आ देखो फुल के किन्ना होया सी। ये मैं दो चमच जेडे आ वाले दो चमच ने ये भिओए सीगे। ते आ देखो इन्हां दी पहचान किवें करनी है। ये गूंद कतीरा हुंदा है गर्मियां च वरतीदा। ये जिहड़ी है गूंद हुंदी है आ देखो ये आप सर्दियों में पंजीरी में पाने फ्राई करके। तो ये जड़ा हों गूंद कदीरा ये ठंडा हों आप गर्मियों में वरतते हैं। इन्हें भिओना पैंता है। देखो मैं एक चमच भिओया से इन्ना को कि दो चमच मैं भिओता से इन्ना तो फुल के देखो कितना हो गया। मैं खुला पानी पाता से दो तीन कप देखो है फुल गया। ये जो भी पीना आप सवेर के टाइम पीना जे सवेरे तुसी खाली पेट पीना तो फिर तुसी दुध विच पा के पी सकते हो ते दही विच दही विच पा लो। जे तुसी सवेरे नहीं पीना दस कु बजे पीना ग्यारह बजे पीना फिर तुसी रूह अफ़ज़ा पा लो सिकंजमी बना लो कुछ भी बना सकते हो। हुण आपां पहला पावांगे दो चम्मच ये वाले दो चम्मच इंच पा रहे पहला आप दो चम्मच ये पाने रूह अफ़ज़ा जे तुसी दुध घट पाना है तो पानी पा सकते अद्धा दुध अद्धा पानी असी कला दुध पाया। ये पावे आप घड़े वाला पानी लिया मैं तुसी फ्रिज वाला पानी ठंडा भी पा सकते हो तो मैं ठंडा पानी नहीं वरतदी मैं इस करके घड़े वाला पानी पाया। जे तुसी मिठा जाना ज़्यादा पसंद करते हो पीना फिर तुसी शुगर पा सकते हो पीस के विच घोल लो। एक एक चमच आप हो पा दें पाने रूह अफ़ज़ा थोड़ा थोड़ा हलो जी बन के तैयार हो गया। हुण आपां दो ड्रिंक होर बनावांगे। हलो जी हुण आपां अगली ड्रिंक तैयार करन लगे हां। ये मैं धागे वाली मिश्री लई आ। पहला मैं इहदे विच ना मोटी मोटी जी कुट ली सीगी थोड़ी जी क्योंकि एकदम इहदे विच पीस नहीं हुंदी। इहनूं आपां हुण बरीक पीस लैणे आ। ये तुहाडी आपदी मर्जी है वी जे तुसीं मिश्री पाउणी है धागे वाली मिश्री पा सकदे हो देसी खंड पाउणी है देसी पा लो ते बूरा चीनी कोई भी कुछ भी पा लो तुसी। ते मैं कि धागे वाली मिश्री पा लगी हूँ ठंडी होंगी है इस करके आप पहला ग्राइंड कर लें। धागे वाली मिश्री तैयार हो गई बूरा बन गया देखो बरीक हो गई। धागा विचों जो होगा तुसी जदों इहदे नाल कुटोगे उहदे विचों धागा अपने आप निकल जाता है। पहला आप दो चमच गूंद कदीरा पा लें। जिहड़ा इहदे विच एक्सट्रा पानी होवे
वो तुसी पुन सकते हो पौनी दे नाल। ते जदों तुसी एक चमच भिओना है उहदे विच अद्धा चमच जे भिओंगे तुसी एक कप पानी पा लो। पतीने दीआं पत्तियां लईआं ने इहदे विच पा लैणे आपां, ते आपां पानी पा लैणे आ नॉर्मली पानी लिया मैं घड़े वाला। जे तुसी सवेरे सवेरे पीना है तां तुसी नॉर्मल पानी लै लो, घड़े वाला लै लो, फ्रिज वाला नहीं लैना, तो फ्रिज वाला पानी फिर तुहानूं नुकसान करूगा। इहनूं चंगी तरह आपां मिक्स कर लो, ला लो चंगी तरह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ, ਬਰੀਕ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। थोड़ा जा पावांगे आपां नमक, हुण आपां इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लैणे। पावांगे नींबू, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੌਥੀ ਡਰਿੰਕ ਤਿਆਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚਮਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰੇ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 2 ਚਮਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੁੱਧ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠਾ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੋ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਡਰਿੰਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।